अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं आज आप लोगों के साथ जो वीडियो लाई हूँ वो है क्लासिक फिंगर वालों का वैक्स। और यहाँ पर जो है मैं अपने क्लाइंट के ऊपर जो है मैं पहले सबसे पहले पाउडर जो है वो अप्लाई कर दूँगी। और जब जो है उसके अच्छा इनके फेस पर जो बाल थे ना वो जो है ना ब्लीच इन्होंने किया हुआ था तो गोल्डन ब्राउन थे। जब ये कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई करी थी जैसे फेस पाउडर है कुछ भी है तो वो जो है ना जो बाल थे ना इनके हेयर थे अपर लिप्स के तो वो बिल्कुल वाजे तौर पर नज़र आ रहे थे। तो खैर इन्होंने कहा कि आप मेरी अपर लिप्स बनाएं, तो मैंने इन लोगों के साथ अपना जो मैं कल मेमन फाउंडेशन से जो अपनी जो ये लाई हूँ क्लासिक वालों की फिंगर वैक्स तो वो मैंने जो है ना सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका जो रिव्यू है वो शेयर करूँ। तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट था। और जो है जो बहुत अच्छे से जो है इनकी जो अपर लिप्स वो बहुत अच्छे से नीट हो गई थी, बहुत इजीली है और बहुत ही अच्छा सा जो है इसका रिज़ल्ट आया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना इसमें मतलब हॉट वैक्स में होता है कि आपने कितना मतलब मशीन को हीट देना है कितना नहीं देना। अच्छा फिंगर वैक्स में ये है कि बस थोड़ा सा आप फिंगर वैक्स लो वो अप्लाई करो और फ़ौरन से इसको हटा लो। तो काफ़ी सारे जो इसके अंदर इनके जो हेयर थे वो आ गए थे और ये देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन जितने भी इनके बाल थे वो सब इसके अंदर आ गए थे। मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोग भी यूज़ करिएगा क्लासिक का फिंगर वैक्स जो है, इसका जो है रिव्यू है वो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर किया है। बाकी ये है कि बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है मैंने इसको लिया था और बहुत ही एक ही दफ़ा में मतलब जो मैंने लिया था वही जो है मैंने दूसरी साइड पे अप्लाई किया था, उसी से जो है वो मैंने दूसरा जो हिस्सा था वो भी मैंने उसी वैक्स जितना मैंने फिंगर पे लिया था उसी से मैंने उसको रिमूव कर दिया था। जो बाकी टेलकम पाउडर जो है वो आप कोई सा भी ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम क्वान्टिटी में जो है इनका थोड़े से वैक्स से इनकी अपर लिप्स जो है वो बन गई थी। अच्छा जी, तो मुझे अपर लिप्स के लिए जो है मैंने जो फिंगर वैक्स किया इसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक पफ की। और यहाँ पर जो है ये मैं बिल्कुल न्यू पफ खोल रही हूँ और ये पफ का जो है मतलब जो जितनी भी चिपचिपाहट होती है फिंगर वैक्स से जो हम यूज़ करते हैं तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से रिज़ल्ट इनका बहुत अच्छा आया था। और यहाँ पर लिया है मैंने पफ और ये जो पफ है ये फेशियल में भी यूज़ होता है जब हम फेस जो है वो क्लीन। और वैक्स जो था वो जो इनके फेस पे मैंने अप्लाई किया था उसकी जो जितनी भी चिपचिपाहट थी वो इस वाले पफ से भी आप रिमूव कर सकते हैं। पफ से मैंने रिमूव कर लिया था क्लाइंट को बिल्कुल नीट मतलब उनकी जो नीट कर लिया था उनको मैंने। बाकी ये कि उसके बाद जो है ना मैंने पफ आपने कोशिश यही करनी है कि जो है ना जो डिटॉल के पानी से जो है ना मैंने उसको एक दफ़ा वॉश किया, दो से तीन दफ़ा जो है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद जो है इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया था और दो से तीन दफ़ा मैंने ये स्टेप किया है और फिर मैंने पफ को खुश्क करके रख दिया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा चैनल को। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। खत्म, बाय बाय, टाटा।